यथा संशोधित पारित हुआ। आइटम नंबर 18 दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक 2022। माननीय मंत्री जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए। माननीय अध्यक्ष जी, आज एक बहुत महत्वपूर्ण विधेयक लेकर इस सम्माननीय सदन के सामने मैं उपस्थित हुआ हूं। दिल्ली नगर निगम पूरे राजधानी क्षेत्र का 95% हिस्से का सिविक सेवाओं का जिम्मेदारी उठाता है। लगभग 1,20,000 कर्मचारी तीनों निगमों के इकट्ठा होकर इसके तहत काम करते हैं। राजधानी क्षेत्र के होने के कारण राष्ट्रपति भवन भी यहां है, संसद भी यहां है, प्रधानमंत्री निवास भी यहां है, सारे केंद्रीय सचिवालय भी यहां है, ढेर सारे राजदूतालय भी यहां है और महत्वपूर्ण मीटिंगों का स्थान, अंतर्राष्ट्रीय मीटिंगों का स्थान भी स्वाभाविक रूप से राजनीति बनती है। दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष जब यहां आते हैं तो राजधानी का उनका मुलाकात बहुत स्वाभाविक होता है। उसको दृष्टिगत रखते हुए इस सिविक सेवाओं की जिम्मेदारी का निर्वहन दिल्ली के तीनों कॉरपोरेशन ढंग से उठा पाए वो बहुत जरूरी है। पहले यहां पर एक ही नगर निगम हुआ करता था, उसका विभाजन कर तीन नगर निगम बनाए गए। माननीय अध्यक्ष जी, थोड़ा पीछे में सदन को ले जाना चाहूंगा, 1883 से पंजाब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एक्ट के तहत दिल्ली नगर निगम चल रहा था। 1957 में दिल्ली नगर निगम की एक्ट के द्वारा स्थापना हुई और 1993 और 2011 में संशोधन हुए और अंततोगत्वा उत्तरी नगर निगम दिल्ली, दक्षिणी नगर निगम दिल्ली और पूर्वी नगर निगम दिल्ली, तीन निगमों में इसका बंटवारा हुआ। बंटवारे के कारण, बंटवारे के पीछे की मंशा मैंने पूरे गृह विभाग की फाइलें खंगाली है, बहुत स्पष्टता से मालूम नहीं पड़ती। इसलिए मैं मेरी मर्यादा भी सदन के सामने रखता हूं क्योंकि मुझे बताना चाहिए था सदन को कि इस निगम का बंटवारा क्यों हुआ था, किस आशय से हुआ था, क्या ध्येय को सामने रखकर किया गया था। मगर जितना आप तो मंत्री नहीं थे दादा उस वक्त, फाइल मैंने देखी है, ऐसा भी नहीं लिखा है, ऐसा भी नहीं लिखा है। माननीय अध्यक्ष जी, लेजिस्लेटर की मंशा जाने बगैर में आज ये 10 साल के 12 से 22 का अनुभव जो हमारे सामने आया है, इसका एनालिसिस कर उसका बारीक विश्लेषण और तथ्य जो सामने आए हैं, इसके कारण इस सरकार ये निर्णय पर पहुंची है कि फिर से एक बार ये तीनों निगमों को एक कर पूर्ववर्त स्थिति की जाए। क्योंकि ये जो बंटवारा हुआ था वो माननीय अध्यक्ष जी आनंद फानंद में किया गया बंटवारा था। मैं नहीं कहता क्योंकि ऐसा भी मेरे पास प्रमाण नहीं है, कोई राजनीतिक उद्देश्य रहे होंगे, परंतु कोई उद्देश्य जब नजर में नहीं आता है तो विचार जरूर होता है कि राजनीतिक उद्देश्य से इसे किया गया होगा। मगर आज जब ये तीनों निगमों को एक करने की मंशा लेकर सरकार इस महान सदन के सामने आई है, तब मैं निश्चित करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि हम क्यों आए हैं। एक अभी जो अभी जो तीनों निगमों के 10 साल चलने के बाद चीजें सामने आई हैं,
वो ये है कि तीनों निगमों के बीच में नीतियों के बारे में एकरूपता नहीं है। एक ही शहर के तीन हिस्सों में अलग अलग नीतियों से निगम चलते हैं, क्योंकि नीतियों की चलाने की निर्धारित करने की शक्ति हर एक निगम में निहित है। हर निगम के बोर्ड को अधिकार है कि वो अपने चलाने की नीतियों को तय करें। कार्मिकों की सेवा की शर्तों में और स्थितियों में भी एक रूपता नहीं रही है। ये एनोमली के कारण ढेर सारा असंतोष कार्मिकों के बीच में भी नजर में आया है, और संसाधनों और दायित्वों का जब निगमों को बांटा गया तब बहुत सोच समझकर इसका बंटवारा नहीं किया गया। तीन निगम में से एक निगम तो हमेशा सरप्लस रहेगा, उनकी इनकम की दृष्टि से, और बाकी दो निगमों की लायबिलिटी ज्यादा होगी मगर इनकम कम होगी। तो निगमों को बांटते वक्त भी संसाधन की प्राप्ति और संसाधन के खर्च के बीच के संतुलन की व्यवस्था उस वक्त देखी नहीं गई है। इसके कारण ढेर सारी ऐसी परिस्थितियां खड़ी होती है कि जो लोग चुनकर आते हैं उनको निगम चलाने में बड़ी तकलीफ होती है। और मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं, जिम्मेदारी के साथ भी कहना चाहता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है विपक्ष के मेरे मित्र इस पर सवाल भी उठाएंगे, मुझे पूछेंगे भी, बाद में मुझे जवाब भी देना है, मगर निश्चित रूप से जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि दिल्ली सरकार यहां पर स्टेप मदर एटीट्यूड के साथ ये नगर निगमों के साथ व्यवहार कर रही है। एक सौतेली मां जैसा व्यवहार हो रहा है, और इसके कारण ये सारे नगर निगम अपनी ड्यूटियों का, अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिए अपने आप को पर्याप्त संसाधनों से लैस नहीं पा रहे। इसलिए ये जो बिल लेकर मैं आया हूं उसमें इतने उद्देश्य ये बिल के द्वारा मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं। जो तीन नगर निगम है इसको एक कर फिर से एक बार दिल्ली नगर निगम एक बनाया जाए। संसाधन और सहकारितावादी और सामरिक योजना के दृष्टि से एक ही निगम पूरे दिल्ली की सभी सिविक सेवाओं का ध्यान रखेगा तो ये उचित होगा। नगर निगम की सेवाओं को और दक्षता के साथ चलाया जाए और पारदर्शिता के साथ चलाया जाए, इस प्रकार के इसके लिए भी कुछ अमेंडमेंट्स इस बिल के अंदर है। दिल्ली के पार्षदों की संख्या को भी 272 से कम कर ज्यादा से ज्यादा 250 तक सीमित करने का भी इसमें प्रस्ताव है, और नागरिक सेवाओं को कहीं भी और कहीं कभी भी, मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा, कहीं भी और कभी भी इस सिद्धांत के आधार पर व्यवस्थित किया जाए। माननीय अध्यक्ष जी, जब मेरे साथी मंत्री बिल को सदन में रखे तब मेरे विपक्ष के मित्रों ने कुछ आपत्तियां उठाई थी, कुछ तो संवैधानिक आपत्तियां थी, कुछ राजनीतिक उद्देश्यों के लिए उनकी टिप्पणियां थी, उसको मैंने बारीकी से पढ़ा है। फिर भी अगर आज वो ज्यादा स्पष्टता चाहते हैं तो मैं करने के लिए तैयार हूं, मगर मेरा आप सभी से, सभी सदन के सदस्यों से अनुरोध है कि बिल को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर देश की राजधानी की व्यवस्था का मामला समझकर बहुत गंभीरता के साथ हमने सोचना चाहिए। और ये बिल पारित होने के बाद मुझे पूरा भरोसा है कि अभी जो स्थिति है इसमें काफी सुधार आएगा। इसके अलावे केंद्र सरकार की इसके पीछे कोई मंशा नहीं है, अतः मैं चर्चा में आप सभी के विचार सुनने के लिए यहां बैठा हूं, और आपसे भी अनुरोध करता हूं अध्यक्ष जी कि चर्चा मेरिट्स पर हो, इसके लिए आप भी हम सबका मार्गदर्शन करेंगे। धन्यवाद। तिवारी जी, दादा